वंशकर्मा एंड यू आर वॉचिंग गेट हेल्दी विद वंशिका. ये व्लॉग होने वाला है जन्माष्टमी व्लॉग. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी. आज 19th of August है और आज हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं. रात 18th of August को मैंने किशन जी का जन्म जैसे होता है तो उसमें कुछ कुछ सेलिब्रेशन किया छोटा सा, और घर पे हम लोग दिल्ली आ चुके हैं तो दिल्ली ही सेलिब्रेट किया. तो इस व्लॉग में आप वही देखने वाले हो कि कैसे हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया रात के 12 बजे. और साथ ही साथ मैं राखी का व्लॉग डालना भूल गई थी, तो इसी व्लॉग में मैं उस राखी के व्लॉग को भी कंपाइल कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं है राखी का, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, पूरी फैमिली मेरी साथ में थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं सबके साथ शूट करूँ, क्योंकि हम लोग इतने टाइम बाद मिलते हैं तो हम लोग सोचते हैं सब लोग साथ में इकट्ठा हों और हम खूब सारी बातें करें. सो यस, मैं छोटी छोटी वीडियोस निकाली हैं आप लोगों के लिए. सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. तो राखी का दिन शुरू हुआ सबसे पहले छोटी सी पूजा से. सबने का हाथ में कलावे बांधे और टीका लगाया. यहाँ देखिए वेदिका कितनी प्रीटी लग रही है, उसको ये न्यू ड्रेस पहनाई थी. फिर उसके बाद वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो मैंने उसकी ड्रेस चेंज कर दी. एंड फिर उसके बाद शुरू हुआ हमारा राखी का प्रोग्राम. तो सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल को राखी बांधी और घर के सभी लोग यहाँ पे उन्हीं को भोग लगा रहे हैं और राखी बांध रहे हैं. उसके बाद मेरी बड़ी बुआ ने सबसे पहले राखी बांधी पापा को, फिर चाचा को, फिर उनसे छोटे वाले चाचा को, और उसके बाद अपने भतीजे मतलब मेरे भाइयों को. फिर उसके बाद मेरी छोटी बुआ ने राखी बांधी. कुछ राखी पोस्ट से भी भेजती हैं बुआ, तो उनकी राखी भी बांधी. और ये देखिए मेरे सारे भाई एक ही ड्रेस, एक जैसी ड्रेस में हैं, क्योंकि ये मैंने कुर्ते उनको सबको गिफ्ट करे हैं राखी पे. यहाँ मेरी बारी आ गई, मैंने सबसे पहले अपने बड़े भाई को बांधी, फिर छोटे भाई को. मेरा एक भाई, दो भाई यहाँ पर नहीं आ पाए थे तो इसलिए उनकी राखी भी मैंने इन्हीं दोनों को बांधी. मैं उनकी राखी भेज भी नहीं सकती थी. एंड बहुत मज़ा आता है जब अपने भाइयों के राखी बांधो और उसके बाद वो गिफ्ट्स देते हैं, और ये सब मेरे से छोटे हैं तो अलग ही फीलिंग होती है. फिर मेरे मामा मामी आए, मम्मी ने मामा मामी के राखी बांधी, और मेरे ये वाले चाचा लेट आए थे जब तक मैं ड्रेस चेंज कर चुकी थी, रात हो गई थी, तो मैंने अपने चाचा की भी राखी बांधी तो उनको बांधी. नेक्स्ट डे हो चुका और वेदिका की थाली रेडी हो रही है. वेदिका ने उस दिन लड्डू गोपाल को राखी बांधी थी और अगले दिन उसके चाचा दादू पापा आए थे तो उनको वो राखी बांध रही थी. उसकी ही थाली मैं ये तैयार कर रही हूँ. आज वाओ कपड़े पहने, खिलाओ. वे तो छोटी है तो राखी नहीं बांध सकती अभी, तो बस वो हाथ से ही सबको राखी दे रही थी और सबने ऐसे खुद ही बांध दी. उसके बाद वो सबको एक एक करके मिठाई खिला रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था. यहाँ वो अपने नानू को खिला रही थी, फिर उसके बाद दादी को खिला रही थी, और ऐसे ही हमारा राखी का सेलिब्रेशन कम्प्लीट हुआ. और फिर शुरू हुआ जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन. यहाँ पे 18th की रात को मैंने आधा लीटर दूध लिया था, इसका मैंने खोया यानी कि मावा बनाया, और ये कम से कम 2 घंटे तक पकता रहा मीडियम स्लो गैस पे करके. एंड लास्ट में जब ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया तो मैंने इसको हाई फ्लेम पे करके कंटिन्यूसली स्टेयर करके चला के इसका खोया बना दिया. फिर उसके बाद एक बाउल या एक कंटेनर लिया कांच का, उस पर उसको ग्रीस किया थोड़ा सा देसी घी लगा के. एंड फिर उसके बाद वो जो गरम गरम मावा था वो इसके ऊपर अच्छे से डाल दिया सेट होने के लिए फ्रिज में. इसको 1 से 2 घंटे लगे आराम से. और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया चरणामृत बनाना, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी दूध लिया, थोड़ा सा दही लिया, उसके बाद मैंने इसमें गंगा जल डाला, और उसके बाद इसमें डाली तुलसी और ड्राई फ्रूट्स. हनी भी डलता है बट वो मैं इस टाइम यहाँ पे डालना भूल गई थी, बाद में मेरे को याद आ गया था तो मैंने बाद में डाल दिया. यहाँ पे मैंने रेजिन्स किशमिश डाली है, मैं ये बॉईल करके डालती हूँ हमेशा, मैं डायरेक्ट नहीं डालती. तो ये रहा हनी जो मैं भूल गई थी, मैंने वो जो चरणामृत था उसको छोटे कंटेनर में भी ट्रांसफ़र कर लिया था, और हमारा चरणामृत रेडी. और ये देखिए हमारी खोया बर्फी रेडी हो गई है, कितने अच्छे से सेट हुई है. मैंने इसके ऊपर किशमिश और बादाम डाले थे, दिस इज़ परफेक्ट.
तो अब आती है माखन की बात। जन्माष्टमी हो और माखन ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस मैंने यहाँ 1 स्पून ली फ्रेश क्रीम, उसमें डाला मैंने बर्फ और बस उसको मिक्सी में चला दिया। क्विकेस्ट एंड द इजिएस्ट वे टू मेक द माखन, क्योंकि थोड़ा सा ही बनाना था इसलिए मैंने ये वाली रेसिपी ऑप्ट की। एंड ये देखिए थोड़ी ही देर में हमारा माखन रेडी हो गया। फिर आई डेकोरेशन की बारी। मेरे पास ये एक बास्केट रखी थी जिसमें ये फ्रूट बास्केट होती है, या फिर आई थिंक ड्राई फ्रूट बास्केट थी, इसमें ड्राई फ्रूट्स आए थे। तो इसी ड्राई फ्रूट्स का मैंने बनाने की सोचा झूला किशन जी का। तो यहाँ पे मैं वही प्रिपरेशंस कर रही हूँ कि जो कलावा होता है उसको बांध दिया और उससे मैंने किशन जी का झूला बनाया। और ये देखिए यहाँ पे मैं सोच रही थी कि कैमरा बिल्कुल सेट रखा है, बिल्कुल सही जगह रखा है, तो मैं सही शूट कर रही हूँ और मैं बिजी थी कान्हा जी का ये झूला बनाने में। बट आई वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया कि वेदिका ने कैमरे का एंगल ही बदल दिया, वो पूरे कैमरे में आगे ही आ रही थी। फिर मैंने उसको चेंज किया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद टॉडलर, क्योंकि उन लोगों का सब कुछ लेना होता है, दे वॉन्ट एवरी थिंग, हर टाइम उसको अटेंशन चाहिए होती है, वो भी वो करना चाहती है जो मैं कर रही होती हूँ। सो यस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू एनी थिंग विद अ टॉडलर। एंड इस वीडियो से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि वेदिका मेरे को समझा रही है, मम्मा डू इट लाइक दिस, यहाँ पे रखो या ये यहाँ रखो, ये लगाए। शी वॉज कंटिन्यूसली टेलिंग मी कि ये लगाना है, और पता नहीं क्यों उसने ये गंगा जल की बॉटल पूरी खाली कर दी, कहाँ क्या डाला मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज मैं लग रही थी झूला बनाने में और वेदिका कुछ अपने ही धुन में मगन थी। बट येस, इसके साथ मेरे को बहुत 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 मज़ा आता है। शी इज़ Everything to me, she is so adorable and so cute. बहुत naughty है पर बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मेरे कान्हा जी का झूला रेडी हो गया। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। लास्ट में मैंने यहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स से पूरा झूला डेकोरेट कर दिया, पूरी बास्केट डेकोरेट कर दी थी, बहुत सुंदर लग रहा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ फोटोग्राफ्स जो हमने क्लिक किए जन्माष्टमी में और रक्षाबंधन पर। सो यस गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू सो मच, नमस्कार।